दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका सीपी क्लासेस के अंदर। आज हम लोग बात कर रहे वाले हैं डायरेक्टिंग वाले चैप्टर के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन का मीनिंग बहुत ही आसान है। कम्युनिकेशन का मीनिंग का मतलब है दो लोग या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में आइडियाज़ का, फैक्ट्स का, फीलिंग्स का शेयर होना। सिंपल शब्दों में बोलूँ, एक दूसरे को अपनी बात बताना इज़ कम्युनिकेशन। बहुत ही आसान है। तो कम्युनिकेशन इज आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। यानी कि आपको अपने को, सामने वाले को अपनी बात बतानी है और इस तरीके से बतानी है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए, तो हम बोलेंगे आपने अपनी बात को कम्युनिकेट किया है सामने वाले को। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के अंदर कम से कम दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। आजकल की आप बात करो तो कम्युनिकेट आप कैसे कर सकते हो, आप व्हाट्सअप के थ्रू कर सकते हो, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हो, इंस्टाग्राम है आज की डेट में, तो आप इशारों से अपनी बात किसी को बता सकते हो। तो ये तरीके हैं, इनमें से किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों के साथ। अब जब कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में, जब बात चल रही है, तो कम्युनिकेशन का ना एक प्रोसेस होगा। देखो, प्रोसेस बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या होता है, जिस इंसान को अपनी कोई बात बतानी है किसी और को, वो इंसान सबसे पहले क्या सोचेगा, वो सोचेगा यार मुझे बताना क्या है। यानी कि सबसे पहले वो अपने दिमाग में एक मैसेज को तैयार करेगा, किसी आइडिया को तैयार करेगा और उसको उसे सामने वाले को बताना है। अब मुझे पता लग गया मुझे आपसे कोई बात कहनी है, तो मैं दूसरा काम क्या करूँगा, मैं उस मैसेज को ना एनकोड करूँगा। एनकोड करने का मतलब होता है मैं उन शब्दों को ढूंढूंगा या मैं वो लैंग्वेज ढूंढने की कोशिश करूंगा जिससे आपको मेरी बात समझ में आ जाए। अब लैंग्वेज मैंने ढूंढ लिया, मैंने चीज़ ढूंढ ली, मुझे क्या आपको बताना है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मुझे आपको मैसेज भेजना है, उसको बोलते हैं मीडिया। किसके थ्रू मैं अपनी बात आपको भेजूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूं अपनी चीज़, या मैं आपको फेसबुक से शेयर कर सकता हूं, या मैं आपको टेलीफोन कॉल कर सकता हूं, या मैं आपको मेल भेज सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया मीडिया जिनके थ्रू मैं अपनी बात आपसे कहने वाला हूं। अब एनकोडिंग के बाद क्या होता है, एनकोडिंग और मीडिया के बीच में ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसको हम बोल सकते हैं नॉइस। यानी कि जब मैं आपको अपनी बात आपको भेज रहा हूं तो उस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मैसेज के जाने में। अच्छा, वो प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है मे बी अगर मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन डेड हो जाए बीच में, या हो सकता है आप मेरी बात ही ध्यान से ना सुन रहे हो सकता है मैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ या उन शब्दों का इस्तेमाल करूँ जो आपको समझ में नहीं आ सकते हैं। हो सकता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक गाड़ी के जाने की आवाज़ आ जाए बीच में, तो नॉइज़ क्रिएट हो गई। तो नॉइज़ क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि जब मैसेज कन्वे किया जा रहा है आपको उस टाइम पर, उस दौरान बीच में कोई भी नॉइज़ क्रिएट हो, कोई भी हिंड्रेंस हो, उसको बोलते हैं नॉइज़ होना। ठीक है, अब मैंने मैसेज तो आपको भेज दिया मीडिया के थ्रू, अब मैसेज आपको मिला, अब आप क्या करोगे, उस मैसेज को आप डिकोड करोगे ताकि आपको वो मैसेज समझ में आ जाए। और जब मैसेज आपको समझ में आ जाएगा आप क्या करोगे, आप मुझे ना फीडबैक दोगे। अब फीडबैक आपसे मेरे तक पहुँचा, तो फीडबैक का मतलब क्या है, फीडबैक का मतलब ये भी आप मुझे ये बताओगे हाँ हाँ मुझे ठीक है आपकी बात समझ में आ गई है, तो आपने मुझे फीडबैक दे दिया। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस मुझसे स्टार्ट हुआ था और मुझसे ही एंड होगा। यानी कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट्स विद सेंडर एंड एंड्स विद सेंडर इट्सेल्फ। चलिए अब समझते हैं कम्युनिकेशन कितने तरीका का होता है। देखिए, कम्युनिकेशन मेनली दो तरीका होता है, एक को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक को बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले की बात करते हैं जिसका नाम है फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन का बड़ा ही आसान सा मतलब है, यानी कि जब आप ऑफिस की बातें कर रहे होगे, जब आप ऑफिशियली बात करते हो एक दूसरे से, यानी कि जब आप ऑफिशियल मैटर्स के रिगार्डिंग बात करते हो, फॉर एग्जांपल इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे कोई मेल मुझे मंगानी है, या आपने अपने टीम में किसी को टारगेट देना है, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करके देना है, तो ये सारी की सारी जो बातें आप कर रहे हो ये आप फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कर रहे हो। तो सिंपल शब्दों में समझिए, जब आप सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड बातें करते हैं, ऑफिस के मैटर्स की आप बातें करते हैं, इसका मतलब है आप फॉर्मल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, ये अक्सर रिटन में होता है, ऐसा नहीं है कि वर्बल में हो नहीं सकता। वर्बल में हो तो सकता है, यानी कि आप मुंह से बोल के भी बातें कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है आपने कोई बात कही और कल आपने दोबारा वो बात पूछा कि कल मैंने तो भाई ऐसा बोला था, अब सामने वाला आपको बोल सकता है जी आपने तो नहीं बोला,
अब आप प्रूव कैसे करोगे अपनी बात को? इसीलिए ये ज़रूरी है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ना हमेशा रिटन में हो, ताकि अगर कोई कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ है बताने के लिए कि देखो भाई मैंने तो तुम्हें मेल करी थी, चेक करो अपनी मेल। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा रिटन में हो, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और तीसरा एक और होता है जिसका नाम है डायगोनल कम्युनिकेशन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक को बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और दूसरे को बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है जब बॉस अपने नीचे वाले लोगों को कोई बात बताता है, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब कि सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को बता रहा है, बॉस अपने नीचे वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन कुछ पास ऑन कर रहा है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। दूसरा आता है इसके अंदर अपवर्ड कम्युनिकेशन। उल्टा कर दो, जब एम्प्लॉयज़ अपनी कोई बात, अपनी कोई प्रॉब्लम या अपना कोई ओपिनियन दे रहे हैं अपने बॉस को, ये हो गया आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ हम चलते हैं, ये हो गया आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो पहली चीज़ खत्म हो गई वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब दूसरा पॉइंट आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बड़ा ईजी है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो लोग जिनका सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है जब वो बात करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, ऑफिशियली कुछ टॉक कर रहे हैं वो दोनों ऑफिस के बारे में, ऑफिस से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो सेम लेवल के मैनेजर है ना, एक सेल्स मैनेजर है एक प्रोडक्शन मैनेजर है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। थर्ड आता है, इसका नाम है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, पीपल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट अलग अलग है एंड होल्डिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, उनका अथॉरिटी लेवल भी अलग अलग है, इसको बोलूंगा मैं डायगोनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल सेल्समैन जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, अब सेल्समैन का अलग लेवल हो गया और प्रोडक्शन मैनेजर का अलग लेवल भी हो गया और दोनों का डिपार्टमेंट भी अलग अलग है, तो इसको मैं बोलूंगा डायगोनल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के ना कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। देखिए सबसे पहला फायदा ये होता है कि इस मेथड के थ्रू ना, इस कम्युनिकेशन के थ्रू सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है, ये पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा होता है इसके थ्रू ना क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैनेजर और सबॉर्डिनेट जो होते हैं उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, मैनेजर को पता है कब सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू, इसके थ्रू बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन रहता है। तीसरा बेनिफिट है कि जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है ना, वो एक पर्टिकुलर रूट से ही पास ऑन होती है, तो फ्लो ऑफ जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना, वो बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से चलता है इस मेथड के अंदर। उसके बाद इसमें ये पता लगाना आसान है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन भेजी किसने थी, आपके बॉस ने आपको मेल करी, अब आप ये नहीं बोल सकते जी मेल तो कहीं और से आई थी, आपके बॉस की आईडी से मेल आई थी, तो आपको पता है कि आपके बॉस ने ही आपको मेल करी थी, तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता करना बहुत आसान होता है इस मेथड के अंदर। अब कुछ नुकसान कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पहली चीज़ ओवरलोड ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है, जितने भी लोग काम करते हैं ऑफिस के बीच में, ऑफिस के अंदर उनके बीच में बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं एक दूसरे के साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है, वर्क का ओवरलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ काम आप छोड़ दो, कुछ काम छूट जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड था काम करने का आपके पास। उसके बाद क्या होता है, एक और प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कि इन्फॉर्मेशन ना बीच में ही ख़राब हो सकती है। अब एक बंदे से इन्फॉर्मेशन शुरू हुई चलनी और दसवें बंदे तक वो इन्फॉर्मेशन जानी है, यानी कि आठ लोग बीच में हैं जिनके थ्रू इन्फॉर्मेशन को पास होना है, तो क्या होता है, दसवें तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है इन्फॉर्मेशन का भूत ही बन जाए, यानी कि इन्फॉर्मेशन ख़राब हो जाए तब तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। उसके बाद अक्सर इस केस में और भी हो सकता है कि जब सबॉर्डिनेट्स अपनी कोई बात शेयर कर रहे हैं अपने बॉस के साथ, हो सकता है वो बॉस उनकी बात को बड़े ध्यान से सुने ही ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। अब बात करते हैं कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में बातें होती हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं, यानी कि द वे इन विच फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ डन, किस तरीके से किया जाता है,
उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क। देखिए पहला तरीका आता है इसके अंदर व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न के अंदर क्या होता है, जो ग्रुप का लीडर होता है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन पास करता है लोगों के बीच में, जो बाकी लोग होते हैं वो आपस में बातें नहीं करते, यानी कि सिर्फ लीडर कम्युनिकेट करेगा, बाकी लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे, इसको बोलते हैं व्हील पैटर्न। दूसरा आता है चेन पैटर्न। चेन पैटर्न के अंदर क्या होता है, जैसे एक बॉस है उसने इन्फॉर्मेशन पास कर दी, ए बॉस का नाम है, ए ने इन्फॉर्मेशन दी बी की, बी को, बी देगा सी को, सी देगा डी को और डी देगा फिर ई को, तो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है एक पर्सन के पास जो उसका इमीडिएट सबॉर्डिनेट है, फिर नीचे वाला नीचे वाले को पास करेगा, इसको बोलते हैं चेन पैटर्न। थर्ड आता है सर्कल पैटर्न। सर्कल पैटर्न में क्या आता है, ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद टू मोर पर्संस इन द ग्रुप, यानी कि मैं अपने लेफ्ट वाले से भी बात कर सकता हूँ और मैं अपने राइट वाले से भी बात कर सकता हूँ, ये होता है आपका सर्कल पैटर्न। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ऑल सोर्स पैटर्न या चैनल पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है, कोई ना फिक्स्ड सोर्स नहीं होता कम्युनिकेशन का, कोई नहीं है, यानी कि कोई किसी से भी बात कर सकता है, ऑल मेंबर्स आर लिंक टू ईच अदर, कहीं पर भी कोई भी किसी से बात कर लेगा, इसको बोलेंगे चैनल पैटर्न या ऑल सोर्स पैटर्न। लास्ट आता है इसके अंदर इन्वर्टेड वी पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने इमीडिएट बॉस से बात कर सकता हूं और अपने बॉस के बॉस से भी बात कर सकता हूं, ये हो गया आपका, जैसे ए हूं मैं, सपोज मेरा बॉस है बी और बी का बॉस है सी, तो मैं बी से भी बात कर सकता हूं और मैं सी से भी बात कर सकता हूं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन पूरा खत्म हो गया, अब बात करते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा ऑफिशियली बातें करोगे, भाई ऑफिसेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टीज भी होती हैं, गेट टुगेदर्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट भी होते हैं, अब इन चीज़ों के दौरान जब बातें होती हैं ये सब इनफॉर्मल है। भैया पार्टी के साथ एक सेल्समैन पार्टी में एक प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बैठा है, उससे गपशप लड़ रही है, यानी कि गपशप करना इज़ बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो अपने सबॉर्डिनेट के बारे में ना अपने बॉस को कंप्लेंट करना चाहता है, बट रिटर्न में देने में ना डर लग रहा है उसको, मतलब कि ऑफिशियली वो बताना नहीं चाहता अपने बॉस को कि एक बंदे से मुझे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर वो क्या कर सकता है, जैसे ऑफिस की कोई पार्टी चल रही है उस पार्टी के दौरान उस बॉस को वो इन्फॉर्म कर दे, बात करते करते चाय पीते पीते खाना खाते खाते या ड्रिंक लेते लेते वो आपस में बात कर रहे होंगे जब उस पार्टी के दौरान, तब वो इनडायरेक्टली अपने बॉस को उस बंदे की बात बता दे कि मैं इससे परेशान हूँ या इससे मुझको कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ना तो कोई फिक्स्ड पाथ होता है, ना कोई तरीका होता है, ना कोई पर्टिकुलर चीज़ें पहले ऑफिशियली डिज़ाइन होती हैं, क्योंकि ऑफिशियल तो ये होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ें पहले से फिक्स नहीं होती हैं, इसी वजह से ना इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं ग्रेप वाइन, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, यानी कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है। सबसे पहला लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक इंसान ने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की दूसरे बंदे को, जो उसके कॉन्फिडेंस का है, जो उसके विश्वास का है, फिर वो दूसरा वाला बंदा किसी तीसरे वाले बंदे को इन्फॉर्मेशन पास करेगा जो दूसरे वाले बंदे के विश्वास का बंदा है, इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड। दूसरा आता है गॉसिप चेन सिस्टम। गॉसिप में क्या होता है, मैंने आपको बात बताई, आपने चार लोगों को बताई, उन चार लोगों ने और लोगों को बता दी, तो फैल गई इन्फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड गॉसिप मेथड। उसके बाद आता है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में ये होता है जैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इन्फॉर्मेशन किसको पास ऑन करूँगा, जो भी मेरे आसपास लोग आएंगे मैं उनको इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा, फिर वो लोग भी उनके आसपास जो लोग आएंगे उनको इन्फॉर्मेशन सेंड कर देंगे, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। लास्ट आता है क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है, आप कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही अपनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करोगे और जिन्होंने इन्फॉर्मेशन आपसे ली वो फिर कुछ सिलेक्टेड लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, इसको बोलते हैं क्लस्टर नेटवर्क। अब बात करते हैं कि इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसके कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं। देखिए पहले बात करते हैं फ़ायदे की, मेरिट्स क्या होते हैं। पहली चीज़, लोगों की जो सोशल नीड होती है ना, जिसमें वो चाहते हैं कि उनके यार दोस्त हों, उनका एक
सर्कल हो ऑफिस के अंदर जिससे वो अपनी बातें शेयर करें, तो ये वाली जो सोशल नीड है इससे उनको सोशल सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये वाली चीज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू पूरी हो जाती है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप ना ऑफिशियली शायद नहीं बता सकते किसी को, बट अनऑफिशियली जब आप पार्टीज में मिलते हैं, आप स्पोर्ट्स इवेंट्स में मिलते हैं, आप गेट टुगेदर्स में मिलते हैं, तो वो बातें सारी की सारी शेयर हो जाती हैं। अगला फ़ायदा आता है कि भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो क्या होगा, जिसको बात पहुंचनी चाहिए उसको ही पहुंचोगी, बट इन्फॉर्मेशन में इनफॉर्मल के अंदर सभी लोगों के पास वो बात पहुंच सकती है जिनको शायद उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो इट गिव्स इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन इन द कंपनी। अब यहाँ पर एक और बेनिफिट आता है, इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, बहुत जल्दी ट्रैवल करती है वो। सो अगर आपको कोई अर्जेंट बात किसी को बतानी है तो आप इनफॉर्मली शेयर कर दो, जल्दी उस बंदे को ये वाली बात पता लग जाएगी। एक और फ़ायदा होता है इसका कि जो मैनेजर्स होते हैं वो ना इनफॉर्मली जब बात करते हैं अपनी टीम से, अपने लोगों से, तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जो शायद सबॉर्डिनेट ऑफिशियली बताने में उन्हें डर लगेगा, वो अपने बॉस को शायद नहीं बता पाएंगे, बट जब वो अनऑफिशियली बैठे हैं, जब वो इनफॉर्मली बैठे हैं, टी ब्रेक में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं वहीं बैठ के, तो उस केस में हो सकता है वो अपनी बातें उनको बता दे। ठीक है, अब इनफॉर्मल के कुछ नुकसान भी हैं। पहली चीज़, अब इन्फॉर्मेशन पास करने का कोई सिस्टमेटिक तरीका तो है ही नहीं, तो इन्फॉर्मेशन हो सकता है बीच में ख़राब हो जाए। र्यूमर्स फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बात किसी ने कुछ कही भी नहीं है बट बात फैलते फैलते पूरी कंपनी के अंदर फैल गई, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। ठीक है, अब इनफॉर्मल के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि आपको ना ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि यार बात शुरू किसने की थी, किसने कही थी बात। बंदा बोलेगा जी मैंने तो नहीं कही, मुझे तो नहीं पता कहाँ से आई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा मुश्किल है इसके अंदर। और एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल के थ्रू हो सकता है वो लीक हो जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस भी रह सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैंने आपसे कम्युनिकेशन का मीनिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल पूरा डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तब तक चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लो नहीं करा तो, और बेल के नोटिफिकेशन के साथ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।